तो बेसिकली एफ़ी जो बी एस फोर मॉडल था उसका अपग्रेड जो आया है वो आया है एफ़ी टू फाइव बी एस सिक्स मॉडल एंड उसके साथ साथ उसका एक एडिशनल एक अपग्रेडेड मॉडल भी आया है जिसमें थोड़े से अपग्रेड्स रहेंगे एंड एडिशनल फीचर्स रहेंगे तो वो है एफ़ी टू फाइव वर्जन एस बी एस सिक्स तो ये एक नया मॉडल यहाँ की तरफ से रिवील हुआ है तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मेरे को पर्सनली बिकॉज अगर आपको लाइक uh, like, उसमें नकल गार्ड्स एडिशनल दिए हैं थोड़ा सा कलर वगैरह कलर स्क्रीन वगैरह चेंज है तो अगर आपको थोड़ा सा देख हट के थोड़ा पुराने वाले मॉडल से चाहिए तो वो काफ़ी अपीलिंग है तो अगर मैं अभी सिंपली चेंजेस की बात करूँ पिछले बी फोर मॉडल से तो पावर फिगर्स आर ऑलमोस्ट द सेम तो अभी भी हमको ट्वेंटी का बी मिलता है एट थाउजेंड एंड ट्वेंटी का टॉक मिलता है सिक्स तो वही लो आर में अपने को टॉर्क प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है तो गुड राइडेबिलिटी इन सिटी है गाड़ी का एंड अगर मैं आपको बात करूँ एफ जी टू फाइव वर्जन एस में जो एडिशनल फीचर्स आए हैं एंड इवन आप एफ जी टू फाइव में भी लगा सकते हैं वो है एक वाइज़र का एडिशन हुआ है तो वाइज़र आपको लाइक आगे देखने को मिलेगा अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के जस्ट ऊपर तो वो काफ़ी अच्छा चीज़ है देखने के लिए एंड उसके बाद हमको कलर्स कलर स्कीम काफ़ी नई देखने को मिलती है तो एफ जी टू फाइव वर्जन एस में हमको जो कलर स्कीम भी देखने को मिलती है आ, वो है वाइट कलर हमको एक नया देखने को मिलता है सेकेंड वन इज़ डार्क मैट ब्लू तो वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे एंड इस प्लेटिना ग्रीन एक ये कलर है इसमें हमको गोल्डन अलॉयज देखने को मिल रहे हैं एंड इवन इन डार्क मेटल डार्क मैट ब्लू में भी हमको गोल्डन अलॉयज देखने को मिल रहे हैं तो दो कलर जो है एफ जी वर्जन एस में हमको गोल्डन अलॉयज देखने को मिलते हैं उसमें एंड प्लेटिना ग्रीन में अपने को एक ग्रीन कलर मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है बट जब तक मैं पर्सनली नहीं देखूंगा तब तक मैं कुछ बोल नहीं सकता बिकॉज फोटो में ज़्यादा आइडिया नहीं लगता एंड जो बेसिक एफ जी टू फाइव का बी एस सिक्स मॉडल है उसमें हमको रेसिंग ब्लू एंड रेसि मेटैलिक ब्लैक कलर देखने को मिलता है एंड अगर उसके बाद मैं आपको चेंजेस की बात करूँ तो मैं वैसे ही बता चुका हूँ आपको कि वाइजर का चेंज है एक वाइजर लगा दिया वाइजर का एडिशन हो गया उसके बाद अपने को ब्रश गार्ड जो कि नकल या लिवर गार्ड आप उसको कह सकते हैं जैसे ऑलरेडी के टी एम में आता था वैसे हमको देखने को मिलेगा एफ जी टू फाइव वर्जन एस में एंड आप टू फाइव में भी एज अ ऐडिशनल फीचर उसको शायद लगा सकते हैं उसके बाद हमको गोल्डन अलॉयज देखने को मिलते हैं और और अपने को इंजन के नीचे जो गार्ड uh, रहता है वो भी एक uh, देखने को मिल रहा है एंड गाड़ी का वेट अभी भी 153 फिफ्टी थ्री किलो uh, किलोग्राम्स है तो वो लाइक टू फिफ्टी सी को देखते हुए काफ़ी कम वेट है लाइक uh, उन लोगों ने यामा ने काफ़ी अच्छे से वेट मैनेजमेंट uh, किया है तो गाड़ी ज़्यादा हैवी नहीं है एंड अगर मैं अभी बात करूँ तो डुअल चैनल ए अभी भी हमको स्टैंडर्ड देखने को मिलता है एंड आगे का डिस्क ब्रेक इज टू एटी टू एम एंड पीछे का इज़ टू ट्वेंटी एम एंड हमको डब्ल्यू पी अभी भी देखने को नहीं मिल रहे हैं हमको अभी भी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन फ्रंट में देखने को मिल रहा है एंड पीछे हमको सेवन स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक देखने को मिल रहा है तो वो लाइक uh, पहले हद तक ही सेम है कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए उसमें एंड फ्यूल टैंक कैपेसिटी इज़ स्टिल एट फोर्टीन लीटर्स तो दैट इज़ ऑल्सो गुड एंड अभी अगर मैं आपको बात करूँ हेडलाइट्स में काफ़ी चेंज आया है तो आ, हमको अभी हेडलाइट में डी देखने को मिलेगा एंड नीचे वो जो प्रोजेक्टिंग आ, प्रोजेक्टर था एल वो देखने को मिलेगा प्रोजेक्टर जैसा तो हेडलाइट में काफ़ी चेंज हुआ है तो अब मैं आ, फोटो में तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है बट प्रैक्टिकली देख के बता सकता हूँ तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक आ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए तो अभी फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है एंड जैसे ही थोड़ा लॉकडाउन में रिलीफ होगा और शोरूम में गाड़ी आ जाएगा तो मैं सबसे पहले शोरूम में जाके एक फर्स्ट राइड एंड फर्स्ट राइड रिव्यू एंड टेस्ट ड्राइव करके एक वीडियो बनाऊंगा और आप सबके लिए लाऊंगा तो स्टे यून फॉर दैट एंड अभी अगर मैं दूसरे चेंजेस की बात करूँ एफ जी टू फाइव के तो मुझे uh, जो कंसोल देखा डिजिटल कंसोल है वो पहले जैसा सेम है नेगेटिव डिजिटल छोटा सा जैसा पहले था वैसा ही देखने को मिलता है एंड जो अभी सेफ्टी फीचर ऐड किया है या ने साइड स्टैंड सेंसर का जो कि ऑलरेडी आर एन फाइव बी एस सिक्स में डाल दिया था एंड एम टी वन फाइव में डाला था वो हमको एफ जी टू फाइव में भी देखने को मिल रहा है तो अगर साइड स्टैंड लगा है तो यू कॉन्ट रियली स्टार्ट योर व्हीकल एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग बिकॉज सेफ्टी कम्स फर्स्ट उसके बाद हमको यहाँ पे अभी भी लिक्विड कूलिंग देखने को नहीं मिलता है तो वही अपना फाइव स्पीड गेयर बॉक्स है विदाउट लिक्विड कूल दैट्स एन एयर कूल्ड इंजन एंड बी एस सिक्स एमिशन पूरा कंपाइल कर रहा है तो uh, वो बहुत अच्छी चीज है एंड उसके बाद फ्रंट से गाड़ी देखने में बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज फ्रंट से इसका लुक काफ़ी अपीलिंग लग रहा है नकल गार्ड के साथ वाइजर के साथ एंड नए हेडलाइट्स के साथ तो वो अच्छी चीज़ है एंड मेरे को एक जो नेगेटिव थोड़ा चीज़ देखने को लगा वो लगा कि इंडिकेटर्स अभी भी हमको एल देखने नहीं मिल रहे हैं मैं अभी भी देख रहा हूँ तो बल्ब के ही इंडिकेटर्स हैं तो आई होप कि मैं गलत रहूँ और वो जब मैं गाड़ी देखने जाऊँ तो शायद एल आ जाए बट मेरे को लगता नहीं ऐसा होगा तो अभी भी हमको बल्ब वाले ही इंडिकेटर देखने को मिल रहे हैं एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो कलर्स भी काफ़ी अच्छे हैं एंड अंडरक्राउलिंग uh, जो मैं इंजन के नीचे बता रहा था वो एक थोड़ा नया डिज़ाइन है थोड़ा शार्प है तो नीचे से आपको इंजन में थोड़ा इम्पैक्ट होने से बचाएगा वो तो ये था अपना एफ जी के uh, कुछ फीचर्स जो कि कन्फर्म्ड हो चुके हैं यामा की तरफ से एंड आप मेरे को बताइए आपको वीडियो कैसा लगा एंड आपको कुछ भी क्वेरी है या डाउट uh, है एफ जी टू फाइव से रिलेटेड uh, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए आई हेल्प यू विद दैट एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक like कर दीजिए थैंक यू वेरी मच सी ऑन द नेक्स्ट वीडियो बाय बाय